सो नाइन्थ क्लास हमारे संतोष यादव पार्ट सेकंड में आई वेलकम यू ऑल। सो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर तीन पॉइंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को एक बार रिकैप में लेके चलते हैं कि जो संतोष यादव थी, आपने पढ़ा कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की ही रहने वाली थी, वहीं पर उसका बर्थ हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसे माहौल में, ऐसे प्योर ट्रेडिशन में रहने के बाद भी, जहाँ पर लड़कों को ही हमेशा प्रेफरेंस मिली जाती रही है, ऐसी जगह पर रहने के बावजूद भी उसने अपने विचारों को खुला रखा और अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने को भी वो तैयार हो गई। उनके खिलाफ जाकर, बल्कि जब उसके पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, देन शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर, उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई गुस्से में बात नहीं की। शी जस्ट इन्फॉर्म्ड देम कि कोई बात नहीं, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। ऐसे में उसके पेरेंट्स को लगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स का यह मानना था कि अगर हम ऐसे कह देंगे तो फिर वो मजबूर होकर घर आ जाएगी। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे की तरफ बढ़ी। जब ठान चुकी थी कुछ करना है तो कुछ करके ही वापस आना चाहती थी। और इसी चीज़ के साथ उसने अपनी लाइफ की शुरुआत करी माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके। उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट उसने ज्वाइन करने के बाद अपनी माउंटेनियरिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, स्टेमिना बहुत स्ट्रांग किया, क्योंकि एक हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारी बॉडी को अगर में होती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। वरना आपको उस चीज़ को, उस इम्यून सिस्टम को, उस इम्यूनिटी को बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में उसने उन सारी चीज़ों को सीखा। साथ ही उसने अपने सीनियर्स और अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर रहना बहुत अच्छे से सीखा। टुगेदर वर्क में, टीम वर्क में काम करना ही उसकी हमेशा प्रेफरेंस होती थी। दूसरा, एक्सपेडिशन की शुरुआत करी उसने धीरे धीरे। पहले छोटी मोटी पहाड़ियाँ चढ़ी, जब आपको, आपने पहले वाले पार्ट में जैसे पढ़ा कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने जो उसका जो रूम था, और कस्तूरबा हॉस्टल के सामने जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की जब उसने चढ़ाई की, उसके बाद फिर उसने एक एक करके ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ चढ़ी। और फाइनली जब उसकी ये सारी स्किल, सारी इम्यूनिटी जो थी उसकी, वो अच्छे से बिल्डअप हो गई, स्ट्रांग विल थी जो उसकी, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, तो फिर उसने एक्सपेडिशन की अपनी स्टार्टिंग की। अब वो बड़े पहाड़ों को चढ़ने लगी। और फाइनली एक टाइम ऐसा आया व्हेन शी वाज ओनली जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, कि उस 20 साल की उम्र में जहाँ पर बच्चे अभी डिसाइड ही कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ऐसे में उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी। कैन यू बिलीव दैट? दैट इज अ क्वाइट वेरी प्राउड अचीवमेंट फॉर हर। और अब संतोष एज अ ह्यूमन की हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर जब उसने एक बार चढ़ाई करी, फिर एक बार और उसने चढ़ाई करी इंडो नेपलीज, मतलब इंडियन नेपलीज इंस्टीट्यूट के साथ काम करने के बाद, जब वो उनकी मेंबर बनी तो एक बार और उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। और ऐसे में एज अ ह्यूमन उसने अपने कोवर्कर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक आदमी के साथ उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर किया सो दैट ही कैन लिव, ताकि वो जी सके, क्योंकि वो बिल्कुल मरने की कगार पर था। अगर संतोष उससे अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो शायद वो मर भी जाता। और इसके अलावा जब वो स्टॉप पर पहुंचकर उसके मन में जो फीलिंग थी, तो वो ये थी कि एज एन इंडियन मैंने ये नाम कमाया है, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग, एक लड़की के तरीके से नहीं, एक इंसान के तरीके से नहीं, बल्कि एक इंडियन के तरीके से मैंने ये नाम कमाया है, एक अपने इंडिया के लिए मैंने ये काम करके दिखाया है। और एज एन इंडियन उसका ये फर्ज था कि वहाँ पर जो गंदगी फैली हुई थी, जो कि सभी का होना भी चाहिए, कि उसे ये चीज़ देखकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ था। सो हाउएवर शी मैनेज टू कलेक्ट ऑल द गार्बेज एंड शी कुड ब्रिंग डाउन द गार्बेज फ्रॉम हिमालयस। वो सारा जितना भी कूड़ा था किसी तरीके से वो नीचे ला पाए। और फाइनली उसने एक एग्जाम्पल सेट किया बाकी लोगों के लिए भी कि एज अ ह्यूमन आपको क्या होने की ज़रूरत है, कैसा होने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा, आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। बाकी का टेक्स्ट अपना कंप्लीट करते हैं और फिर हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू। देन
देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। अब माउंटेनियर्स के साथ इनकरेजमेंट मिलने के बाद इस दृढ़ निश्चयी जवान लड़की के लिए पीछे मुड़ने का कोई चांस ही नहीं था। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने पैसे बचाए और एक कोर्स में एडमिशन ले लिया और कोर्स था माउंटेनियरिंग का। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन 19th ऑफ मे। मेरा कॉलेज का सेमेस्टर जो कि जयपुर में था, तो मेरी जयपुर में जो पढ़ाई चल रही थी कॉलेज सेमेस्टर की, वो अप्रैल में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये 19 मई को ख़त्म हुई। और अब मुझे उत्तरकाशी जाना था 21st को, मतलब 21 तारीख को। इसी वजह से मैं अपने घर नहीं जा पाई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। और अब मैं घर जाने की बजाय सीधा आगे की तरफ बढ़ी अपनी ट्रेनिंग के लिए। आई हैड टू राइट अ लेटर अपॉलोजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। मुझे अपने फादर को एक माफ़ी के लिए लेटर भी लिखना पड़ा, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही मैंने उत्तरकाशी में अपना एडमिशन करवा लिया था। पैरा 7। देर आफ्टर, इसके बाद से संतोष हर साल एक एक्सपेडिशन पर जाती थी। एक्सपेडिशन का मतलब होता है चढ़ाई, तो हर साल एक चढ़ाई करने के लिए वो जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मच्योर्ड रैपिडली और उसकी पहाड़ों पर चढ़ने का जो उसका स्टैमिना था, जो इम्यूनिटी थी उसकी, वो बहुत अच्छी से तेज़ी से बढ़ी। ऑल्सो शी डिवेलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और जल्दी ही उसने खुद को मौसम के हिसाब से ढालना भी सीख लिया, क्योंकि हम पहाड़ पर जितना ऊंचा चढ़ते हैं उतना ही हवा में हमें दबाव महसूस होता है। तो ठंड से और एल्टीट्यूड से उसने खुद को किस तरीके से उस मौसम में ढालना है, उसने ये भी सीख लिया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ बनी हुई फिजिकल एंड्योरेंस, जिसमें हर चीज़ को सहने की क्षमता थी, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वो बार बार खुद को प्रूव करती आई थी कि वो गलत नहीं है। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, जो लगातार उसका हार्ड वर्क था, सिंसियरिटी, उसका जो रिजल्ट आया वो 1992 में निकल के आया। मतलब उसने इतनी मेहनत की, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन दैम। एट बियरली 20 years ऑफ हर एज संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। और उसके हार्डवर्क का, उसके सिंसियरिटी का जो रिजल्ट था वो ये निकल के आया कि सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी। ये वो अपना टाइम याद करती है जब करीब 4 साल पहले, मतलब 16 साल की उम्र में, उसने बहुत ही शर्माते हुए उन माउंटेनियर से पूछा था कि क्या वो उनके साथ पहाड़ चढ़ सकती है। और अब उसमें इतना बदलाव आ चुका था कि अब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे यंग एज की, दुनिया की सबसे यंग एज की वुमेन बन चुकी थी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, अगर उनकी यही सारी चीज़ें, जैसे फिटनेस, उसके स्किल्स, उसकी स्ट्रेंथ, अगर उसके सीनियर्स को इम्प्रेस करती, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। उसके सीनियर्स को उसकी बात अच्छी लगती कि वो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग थी, फिजिकल फिट थी और उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। इनके अलावा उसके साथ के जो क्लाइंबर्स थे, उसके जो को क्लाइंबर्स थे, उनको उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और टुगेदर वर्क में ही बिलीव किया करती थी। पैरा 8। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के टाइम पर संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। संतोष यादव ने अपने साथ चढ़ने वाले एक क्लाइंबर को एक स्पेशल केयर प्रोवाइड की थी, जो कि साउथ कोल में मतलब मरने की हालत में था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और बदकिस्मती से वो उस आदमी को नहीं बचा पाई।
However, she managed to save another climber. लेकिन फिर भी वो मोहन सिंह नाम के दूसरे आदमी को बचा पाई. Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him? वो भी शायद मर ही जाता अगर संतोष यादव अपना ऑक्सीजन मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं करती तो. पैरा 9. Within 12 months, 12 महीनों के अंदर ही संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition. संतोष को इनविटेशन आया Indo-Nepalese women expedition की तरफ से और वो जल्दी ही 12 महीने के अंदर ही मतलब एक साल के अंदर अंदर वो उस एक्सपीडिशन की मेंबर बन चुकी थी. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम और अब उसने माउंट एवरेस्ट की दूसरी बार चढ़ाई की थी. Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. और दूसरी बार चढ़ाई करने के साथ ही उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया कि एक ही औरत इतनी कम उम्र में दूसरी बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी. And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. माउंटेनियरिंग की इन ऊंचाइयों के बारे में जो सम्मान मिलता उसने खुद को और इंडिया को एक अच्छी प्लेस पर लाकर खड़ा कर दिया. इन रिकॉग्निशन विद हर अचीवमेंट्स अपनी अचीवमेंट्स को याद करते हुए और उसके अचीवमेंट्स को पहचानते हुए द इंडियन गवर्नमेंट बिस्टोर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स. इंडिया की गवर्नमेंट ने उसे नेशन के सबसे बड़े ऑनर्स के साथ सम्मानित किया और सम्मान था पद्मश्री अवार्ड. पैरा 10. Describing her feelings when she was literally on the top of the world. जब फाइनली वो दुनिया के टॉप पर पहुंच चुकी थी तो उस टाइम पर अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए संतोष कहती है, It took some time for the enormity of the moment of sinking. मुझे थोड़ा सा समय लगा था इस बात को अपनी इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाने में कि मैंने फाइनली ये काम कर दिखाया है. Then I unfurled the Indian tricolor. और फिर उस जगह पर पहुंचकर मैंने अपने देश का तिरंगा लहराया एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया की उस छत के ऊपर मतलब सबसे टॉप के ऊपर मैंने अपना झंडा जो था उसका सर ऊपर उठाए रखा. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. वो फीलिंग जो मेरे मन में उस टाइम थी मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती डिस्क्राइब नहीं कर सकती. द इंडियन फ्लैग was flying on top of the world. वो झंडा दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से पर लहरा रहा था. It was truly a spiritual moment. ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा moment था. I felt proud as an Indian. और उस time पर मुझे एक Indian होने पर बहुत गर्व महसूस हुआ. As a fervent environmentalist, एक बहुत ही अच्छा मतलब विल पावर वाली लेडी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी माउंटेनियर होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी. वो अपने पक्के इन्वायरमेंटलिस्ट होने की वजह से संतोष ने हिमालय से 500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया और किसी तरीके से वो उस कूड़े को नीचे लेकर आई. सो यहाँ पर वो ये नहीं भूली कि मैंने कितना कुछ इस इंडिया के लिए किया है या मुझे आगे क्या कुछ करना है, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी जो ड्यूटी बनती थी कि इतना जो कूड़ा वहाँ फैला हुआ था जो उसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो कूड़ा उसने इकट्ठा किया और वो नीचे भी लेकर आए. सो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.